हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा एंड वेलकम टू अमरज्योति प्राइम। जल्दी से फटाक से आप सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो। अ वेरी गुड मॉर्निंग काव्या, अ वेरी गुड मॉर्निंग छाया, अर्पित, राहुल, अर्पिता, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मेरा पेन कहाँ गया? पेन ये है। चलो फटाक से एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। फटाक से आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आप लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, है ना। हमारा जो टॉपिक है आज का यहाँ पे वो डिजिटल का रिविजन सीरीज का सिक्वेंशियल सर्किट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मेनली आज हम यहाँ पे जो देखेंगे ना वो मॉड नंबर रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। ये टॉपिक क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, है ना। जो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्या बोलेंगे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ फटाक से सभी लोग। देखिएगा अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम के बारे में। एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करना, मैं थोड़ा कुछ सेटिंग चेंज कर रही हूँ। सेटिंग में ये है कि ये वाला कलर मुझे येलो करना है। येलो तो हो गया, अब बेटर रहेगा। देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अरे फिर से मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे किसके बारे में, स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। हमको यहाँ पे डिस्कस करना है स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम के बारे में। तो इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल तो बताता हूँ। जैसे मान लो आप पास यहाँ पे एक सिक्वेंशियल सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉक भी दिया हुआ है तो ये फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। यहाँ पे आप पास एक नॉट गेट है, आपने इनपुट दिया एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट होके इनपुट गया डी में, और एक्स इनपुट आपने दिया है यहाँ पे जो डी के में, इसमें आपके पास एंड गेट है उससे, और इसका जो आउटपुट है दोनों मिक्स होके आपका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे सर्किट दिया सिक्वेंस सर्किट, और आपको क्या करना है इसका स्टेट टेबल, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका आपको क्या ड्रा करना है, स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख पा रहे हो ना, ये डायग्राम, इसको हम बोलते हैं स्टेट डायग्राम और इसको हम बोलते हैं स्टेट टेबल। बनती कैसे है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, बनती कैसे है ये टेबल और ये डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल आप समझ जाओ कि भाई किसको स्टेट टेबल बोलते हैं और किसको हम स्टेट डायग्राम बोलते हैं। तो जो आपका राइट हैंड साइड पे जो पार्ट है उसको हम टेबल बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो बॉटम पे बना हुआ है उसको हम स्टेट डायग्राम बोलते हैं। और ये बनते कैसे हैं, सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है क्या, आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे स्टेट टेबल। कैसे बनाओगे वो मैं रिपीट करता हूँ, देखना। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, तो एक अगर हम बात करें वाई का, तो वाई का जो आउटपुट भी है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। इस पे जो आउटपुट आएगा वो डिपेंड करेगा डी पे, मतलब जो आपका एक्स इनपुट है उस पे, एक्स इनपुट पे, और जो इसका पास्ट आउटपुट है एक्स और क्यू पर डिपेंड करेगा। तो कितने वेरिएबल बन गए यहाँ पे, चार, मतलब एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल, 0 0 1 1, 0 1 एंड 0 1, ये मैंने इनके जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे वो मैंने बना लिए। कैसे बनाया मैंने, जब एक्स की वैल्यू 0 है तब क्या होने वाला है, जब एक्स की वैल्यू 0 है और क्यू की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू 1 तब क्या होने वाला है, और जब एक्स की वैल्यू 1 है तब क्यू इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, क्यू इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। मतलब टोटल हम लोग यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो तो मैंने यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बना लिए। अब आप ये देखो कि डी की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे जो डी इनपुट आ रहा हो किसके बराबर है, वो आपके एक्स कॉम्प्लीमेंट के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल सर बराबर है। तो आप बताओ एक्स की वैल्यू तो आपने एज्यूम करी थी, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे कर दोगे, 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ कि डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, डी लैच के लिए क्यू प्लस की वैल्यू किसके बराबर होती है, डी लैच के लिए क्यू प्लस की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्यू प्लस की वैल्यू होती है डी के बराबर। हाँ या ना, याद है आपको क्यू प्लस इक्वल टू डी अपन ने पढ़ा था ना, क्यू प्लस इक्वल टू डी हमने पढ़ा था। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्यू प्लस की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, डी के बराबर। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सीधा इनको कॉपी पेस्ट मार दोगे। देखो Q प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के बराबर, Q प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के बराबर। देखो ना, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0,
ये आपने क्यू प्लस की वैल्यू निकाल ली। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्यू और एक्स का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब क्यू और एक्स का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 0 0 का 0, 1 0 का 0, 0 1 का 0 और 1 1 का 1। तो ये मैंने जो बनाया इसको बोलता हूँ स्टेट टेबल। क्या सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं छाया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ का जो आउटपुट आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो क्यू प्लस आता है वो डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट भी आएगा, जो वाई भी आएगा, वो डिपेंड करने वाला किस पे, क्यू पे, मतलब क्यू सॉरी क्यू पे और एक्स पे। दो वेरिएबल है, तो जब दो वेरिएबल होंगे तो हमारे कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनते हैं, बोलते हैं चार कॉम्बिनेशन। कैसे बनाया हमने, देखो देखो 0 0 1 0 0 1 1 1, इनको आगे पीछे रख सकते हैं। इसे मैं सोचा सर ये आपने ऐसे क्यों कर दिया, आप एक्स को पहले लिख लेते, बाद में क्यू रख लेते, कोई दिक्कत, आप वैसा भी कर सकते हो। अगर आप कहो ऐसा करें तो आप ऐसा कर लो 0 0 1 1 0 1 0 1, आप ऐसे भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। टोटल चार कॉम्बिनेशन ही बनेंगे ना, टोटल मैंने यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बना दिए। फिर मैंने बोला ये क्यू की वैल्यू सारी जो आपकी पॉसिबल वैल्यू बना ली आपने, और एक्स की जो इतनी पॉसिबल वैल्यू आपने बना ली, मतलब कि चार कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो बना लिए। फिर आप ये देखो कि डी पे क्या इनपुट आ रहा है, तो डी पे इनपुट आ रहा है एक्स बार, तो आपको एक्स की वैल्यू तो पता है, तो अब आप एक्स बार कर दो कितना हो जाएगा, इनको कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ये आपके पास इनके एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब जो आपके डी की वैल्यू आ गई। अब जैसे डी की वैल्यू आ गई, तो आपको मैंने बताया था कि इसका जो सी इक्वेशन होता है डी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या होता है, क्यू प्लस इक्वल टू डी। अगर आपको डी की वैल्यू पता चल चुकी है तो क्यू प्लस की वैल्यू पता चल जाएगी ना, कैसे, डी की वैल्यू अगर आपको पता चल चुकी है तो क्यू प्लस की वैल्यू पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, सेम टू सेम कॉपी करना है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, तो 1 1 कॉपी हो गया, 1 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, सेम टू सेम। अब इतना करने के बाद ये तो आपने यहां तक बना लिया, फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है, वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, वाई की वैल्यू क्या, यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट में यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, क्यू, यहाँ पे आ रहा है एक्स, तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स इंटू क्यू, है ना। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स 0 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, 1 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 इंटू 1 कितना होगा, 0 होगा, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। अब क्लियर है क्या छाया, बताओ। हाँ अर्पिता, हम यहाँ पे 0 0 1 1 वाला केस भी ले सकते हैं, टोटल जो चार कॉम्बिनेशन ही बनेंगे ना, ठीक, वैसा केस भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छाया आप बताइए, आपको क्लियर है, कल्पना आप ऐसे पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएंगी, तो आप एक काम करिएगा, YouTube पे मैं इसके सारे वैल्यूज, मतलब सारे जितने भी हैं वो अपलोड कर दूंगा लेक्चर, तो आप वहां से देख लीजिए। D की वैल्यू x बार कैसे लिया, ओके ये मैं बता देता हूँ, D की वैल्यू हमने x बार कैसे लिया। देखो आपने यहाँ पे इनपुट क्या दिया है, x, यहाँ पे इनपुट यहाँ तक क्या है, x आया, फिर नॉट गेट लग गया ना, यहाँ पे क्या लग गया, नॉट गेट, नॉट गेट करता कॉम्प्लीमेंट करता है, तो यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, x का x बार हो जाएगा, ठीक है छाया। डायग्राम को देख के हमने डी की वैल्यू को एक्स बार माना है, ओके। और बाकी कल्पना आप यूट्यूब पे सारे पुराने लेक्चर देख लो पहले, बाद में आप इसको अटेंड करना, या फिर जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो तब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको आई थिंक सभी को समझ में आया कि हमने ये टेबल कैसे बनाया। अब हमारा मेन इंटरेस्ट है कि ये हमने स्टेट डायग्राम कैसे बनाना है, ये हमको डायग्राम जो बनाना है वो कैसे बनाना है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हमने यहाँ पे आपका क्या बनाया हुआ, स्टेट डायग्राम बनाया। देखो सबसे पहले देखो देखो यहाँ पे जो रेड कलर का जो बॉक्स बनाया ना, इसके अंदर 0 लिखा, इसको बोलते हैं स्टेट, मतलब एक क्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो प्रॉपरली बहुत आराम से समझना, जब क्यू की वैल्यू 0 है तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0। एक काम करूँ क्या, मैं यहाँ पे बना दूँ क्या दोबारा, तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बनाया तो दोबारा तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है ना। तो देखो
आप ये वाली वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू क्या है, मतलब अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है, जीरो, तो आप जीरो पे हो, तो आप पेन का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। देखो आप अभी प्रेजेंट अभी कहाँ पे हो, जीरो पे हो, ठीक, अभी आप प्रेजेंट पे जीरो पे हो। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, और वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। उस केस में आप कहाँ पहुंच गए, जीरो से पहले आप कहाँ पे थे, जीरो पे थे, आप कहाँ पहुंच गए, वन पहुंच गए, तो जीरो से वन पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, जीरो से आप वन पहुंच गए। किस केस में पहुंचे, जब एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो, और आपका वाई की वैल्यू क्या थी, जीरो। अब आप कहाँ पे हो, वन पे हो, प्रेजेंट स्टेट आपका क्या, वन पे हो, वन पे आप ये देख रहे हो कि एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो है, आप कहां पे हो, वन का वन पे ही हो। देखो ना, आप वन पे हो और आप फिर से कहां पहुंच गए, वन पे ही पहुंच गए। कब पहुंच गए, जब एक्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो, और वाई की वैल्यू भी क्या है, जीरो। मैं अपने आप को 2 मिनट के लिए हाइड कर देता हूं जिससे आप लोग का क्वेश्चन प्रॉपरली दिख पाए, ठीक है। मैं अपने आप को हाइड कर चुका हूं, मेरे लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे लिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां तक। अब देखो आप फिर से कहां पे हो, जीरो पे हो, आप फिर से जीरो पे हो। एक्स की वैल्यू क्या है, वन, वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, तब भी आप कहां पे हो, जीरो पे, मतलब क्या पहुंचे, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब जीरो से स्टार्ट किया, अगेन कहां पहुंच गए, जीरो पे। कब पहुंच गए, जब एक्स की वैल्यू क्या है, वन, और वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। फिर आप यहां पे हो, वन पे हो, कहां पे हो, वन पे, वन पे, एक्स की वैल्यू क्या है, वन, वाई की वैल्यू क्या है, वन, और कहां पहुंच गए, जीरो, तो वन से आप जीरो पहुंच गए। कब पहुंच गए, जब एक्स की वैल्यू क्या है, वन, और वाई की वैल्यू वन। तो ये जो डायग्राम बनाना है, इसको हम बोलते हैं स्टेट डायग्राम। क्या ये बात सबको क्लियर है, एक बार मुझे सब लोग कंफर्म कर दो, ये मैंने स्टेट डायग्राम कैसे बनाया है, क्या बात सबको क्लियर हो रही है यहां तक, कि डाउट है इसमें कुछ भी। ओके ओके ओके, छाया आप बताइए, आपको क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे से, क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत अच्छे से क्लियर, तो एक तो यही तो चाहते हैं कि आपको चीजें क्लियर हो और बहुत अच्छे से क्लियर हो, तभी तो मजा आता है पढ़ाने में भी। चलो, तो ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था। अब मेरा जो मेन क्वेश्चन, देखना, क्वेश्चन बोला गया है कि आप मुझे डी, आप मुझे यहाँ पे स्टेट डायग्राम बना के दिखाओ डी फ्लिप फ्लॉप का। ओके, क्वेश्चन समझना यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको डी फ्लिप फ्लॉप बोला गया है, उसका आपको स्टेट डायग्राम बना के दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखना, डी फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है, ये ऐसा कुछ होता है, और उसका डी इनपुट आप यहाँ पे दोगे, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू बार आएगा, और क्यू प्लस की वैल्यू क्या होती है, डी के बराबर होती है। तो देखो यहां पे अगर बात करूं ना, वेरिएबल, वेरिएबल क्या क्या है, क्यू है और डी है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार कॉम्बिनेशन, कैसे, 0 0 1 0 0 1 1 1, टोटल चार कॉम्बिनेशन मैंने ले लिए रैंडमली कुछ भी। इधर देखो 0 0 1 1 0 1 और 0 1, ये टोटल मैंने चार कॉम्बिनेशन ले लिए, गॉट इट। अब यहाँ पे क्यू प्लस की क्या वैल्यू होगी, क्यू प्लस की वैल्यू होती है डी के बराबर, तो डायरेक्ट की कॉपी पेस्ट मार दो, ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ जीरो का जीरो हो गया, वन का वन हो गया, और वन का वन, तो ये आपकी बन गई स्टेट टेबल। अब स्टेट टेबल को कन्वर्ट करना स्टेट डायग्राम में बहुत आसान। आप देखो प्रॉपरली, आप अभी कहां पे हो, जीरो पे हो, आप कहां पे हो अभी प्रेजेंट में, जीरो, डी की वैल्यू है जीरो, तो कहां पहुंच गए, आप जीरो में पहुंच गए, तो जीरो से चलना स्टार्ट किया और अगेन जीरो पे पहुंच गए। कब पहुंच गए, जब डी की वैल्यू क्या है, जीरो। ओके, फिर देखो आप वन पे हो, आप वन पे हो, वन से आपको डी की वैल्यू जीरो मिली, क्या मिली डी की वैल्यू आपको यहां पे, आपको डी की वैल्यू क्या मिली, जीरो। देखो आप वन से हो और डी की वैल्यू जीरो मिली, कहां पहुंच गए आप, जीरो पे, तो वन से चलना स्टार्ट किया, कहां पहुंच गए, जीरो। फिर आप जीरो पे हो, डी इक्वल टू वन मिला, तो आप कहां पहुंच गए, वन पहुंच गए, डी इक्वल टू वन पे कहां पहुंच गए, आप वन पहुंच गए। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेट डायग्राम बोलते हैं। जैसे वन पे थे, वन पे थे और फिर से वन पे आ गए, वन पे थे फिर से वन पे आ गए, डी इक्वल टू वन पे, इसी को हम बोलते हैं आपका स्टेट डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने डी फ्लिप फ्लॉप का भी स्टेट डायग्राम बनाया है,
वैसे मैंने यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप का भी स्टेट डायग्राम आप बना लोगे है ना। आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो कि जीरो से वन कब जा रहा है, वन से वन कब जा रहा है ना। याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, मैंने तो याद नहीं किया, मैं तो डायरेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज है ना वो एक्साइटेशन टेबल ही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका एक्साइटेशन टेबल ही तो है ना। अभी आप देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। कहाँ गया ये, तो ये पर काम नहीं करता। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली, देखना आप सभी लोग। देखो एक्साइटेशन टेबल ये बोलता है कि जैसे मान लो ये टेबल क्या बताता है, मैं बताता हूँ। एक्साइटेशन टेबल ये बताता है कि अगर आपको प्रेजेंट पता है, ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट पता है और आपको फ्यूचर भी पता है कि ऐसा चाहिए, तो इनपुट क्या होना चाहिए ये कौन बताता है आपको, एक्साइटेशन टेबल। मतलब आपको यहाँ पे क्यू की वैल्यू पता है, मतलब प्रेजेंट पता है, इवन आपको फ्यूचर भी पता है, तो आपका इनपुट क्या होना है यही बताता आपका कौन, एक्साइटेशन टेबल। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रेजेंट पता है। फ्यूचर आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर आप अभी एसएससी जेईई के एग्जाम क्वालिफाई करके प्लेस हो जाओगे तो वो भी पता है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, इनपुट क्या होगा वो आपको यहाँ पे पता करना है। इनपुट और आउट मतलब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर पता है, और उसके लिए इनपुट क्या होगा ये कौन बताता है आपको, एक्साइटेशन टेबल बताता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाने वाला हूँ। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट है जीरो और फ्यूचर है जीरो, तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप सबको पता है कि डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्यू प्लस के बराबर होती है। तो जो अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो रहेगा, अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन रहेगा, जीरो है तो जीरो रहेगा, वन है तो वन रहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि हमारा जो इनपुट होगा ना, हमारा जो इनपुट होगा डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, हम क्या बोलेंगे कि वो फ्यूचर इनपुट के बराबर होगा, जो फ्यूचर आपका होगा ना उसके बराबर होगा। देखो आपका क्यू लिया आपने, क्यू प्लस लिया, चारों कॉम्बिनेशन बना लिए, लेकिन डी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, डी की वैल्यू बराबर आ रही है किसके, क्यू प्लस के, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, क्यू प्लस इक्वल टू डी। तो अगर यहाँ पे जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो जीरो पे आपका, अगर आपको जीरो इनपुट है मतलब जीरो आपका प्रेजेंट है और आपको फ्यूचर भी जीरो चाहिए, उसके लिए डी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर अभी प्रेजेंट टाइम आप जीरो पे हो, फ्यूचर की वैल्यू आपको वन चाहिए, उसके लिए आपका इनपुट डी इक्वल टू भी वन होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में वन में हो, फ्यूचर में आप जीरो चाह रहे हो, तो आपका जो इनपुट है वो भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्यू प्लस इक्वल टू डी होता है। अगर आप प्रेजेंट वन में हो, फ्यूचर आपको वन चाहिए, तो आपका डी की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे वन के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, एक्साइटेशन टेबल। तो याद रखना कि यहाँ पे क्या, डी इनपुट विल बी सेम एज क्यू प्लस आउटपुट, जो आपका क्यू प्लस आउटपुट है उसके बराबर होता है आपका क्या, डी इनपुट। ओके ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे किसके बारे में, एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, तो कैसे बनाएंगे यहां पे देखना। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या करना है, यहां पे अगर जीरो है और यहां पे जीरो, आपको यह दिखना है। देखो सबसे पहले तो आपने क्या किया, इनके जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो आपने बना लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके आप कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे, कौन कौन से, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन है ना। अब आपको बताना है कि अगर आप प्रेजेंट में जीरो पे हो, फ्यूचर में जीरो चाहिए, तो टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में जीरो पे हो, फ्यूचर में वन चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वन पे हो, जीरो पे जाना है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वन पे हो और वन पे ही रहना है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं एक चीज ये बता दूं, आप सबको ये पता था ना कि क्यू प्लस की वैल्यू क्या होती है, क्यू प्लस की वैल्यू होती है टी एक्स और क्यू है ना। तो आपका मतलब यहाँ पे इससे समझ सकते हो कि ये जो एक्स और है इसका वैल्यू कब वन होता है, जब वन जीरो होता है, मतलब जब वैल्यू चेंज होती है, जब वैल्यू में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है तब वैल्यू वन आउटपुट वन आता है ना। उसी से लॉजिक लगाना है आपको। देखो अगर यहाँ पे चेंज है क्या, देखो प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज है क्या, कुछ भी चेंज नहीं है, जो पास्ट जो प्रेजेंट था वही फ्यूचर है, उस केस में टी की वैल्यू होगी जीरो। जब कभी प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज होगा उस टाइम पे आपका आउटपुट वन होगा। देखो यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, तो वन हो जाएगा क्योंकि चेंज आया, यहाँ पे वन यहाँ पे जीरो चेंज आया तो वैल्यू वन, यहाँ पे वन है यहाँ पे वन, नो चेंज मतलब जीरो, मतलब क्या बोला मैंने यहाँ पे, आपको टी
फ्लिप फ्लॉप का याद रखना है एक्साइटेशन टेबल के लिए कि अगर आपको चेंज चाहिए है, चेंज अगर हो रहा है उसमें किसमें किसमें, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो आपका इनपुट टी इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं हो रहा है तो आपका वहां पे क्या होगा, यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्या यहां तक स्क्रीन कट रहा है सर? ओके, किधर का पार्ट कट रहा है यार, राइट हैंड साइड का? एक बार मैं देख लेता हूँ कितना पार्ट कट हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बताना लाइन आपको विजिबल है या नहीं। मैं यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आप मुझे बताना क्या ये लाइन ड्रॉ विजिबल है आपको, जो मैंने बाउंड्री बनाई है यहाँ पे, इसमें से कौन सा पार्ट आपका मिस हो रहा, कट हो रहा है? टी साइड का, अभी जो मैंने बाउंड्री बनाई उसमें दिख रहा है क्या आपको? ओके, चलो मैं इस बाउंड्री के अंदर ही बढ़ाऊंगा, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर ही रखूंगा मैं चीजों को। चलो तो ये आपका हो गया क्या एक्साइटेशन टेबल, किसके लिए? टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए वैल्यू याद कर लो, याद कर लो, समझ आना नहीं, इधर रट्टा मार लो। देखो 0 0 1 1, 0 1 0 1, तो इसमें जेके की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद रखने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या करना है यहाँ पे, याद करना है यहाँ पे क्या हो गया पेन को, आपको यहाँ पे बोलना है क्या, आपको बोलना है यहाँ पे क्या है ये, अरे यार थोड़ा पेन इसका मार्कर का साइज थोड़ा छोटा करना है, ये बहुत बड़ा है। कहाँ है मार्कर, ये है मार्कर, इतना लंबा क्यों, किसने बना दिया है यार, पतला किया जाना चाहिए इसको, ऐसा काफी बेटर होगा ये। हाँ देखो, जब ये जीरो है ये भी जीरो है, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, आप इसको ऐसा याद करोगे, देखो जे की वैल्यू के की वैल्यू, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 0, याद हो गया, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 0, क्रॉस 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 क्रॉस, ऐसे आप इसको याद करो, 0 1 क्रॉस 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 1 0, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ये अब ये मत पूछना कैसे है, बहुत लंबा कहानी है, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, तो उतना अपन नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग रिविजन ही पढ़ रहे हैं, तो इतना याद कर लो। हालांकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जेके फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो मैं एक चीज आपको बना के दिखाता हूँ, काउंटर बना के दिखाता हूँ, मैं आपको एक काउंटर बना के दिखाता हूँ, बढ़िया काउंटर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एग्जाम में नहीं आने वाला क्वेश्चन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि बननी चाहिए, मुझे तो लगता है कि बनना चाहिए, है ना। एग्जाम में नहीं आएगा काउंटर साहब के पास, आएगा तो वो मॉड नंबर पूछने के लिए आएगा, वो तो अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो तो गारंटी कि नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, लेकिन तब भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं काउंटर, काउंटर क्या करता है, ये है काउंटर हमारा, क्लॉक पल्स को काउंट करता है, क्लॉक इज द ओनली इनपुट द काउंटर। कोई पूछे काउंटर में इनपुट क्या होता है, तो क्या बोलोगे, क्लॉक, काउंटर्स में सिर्फ क्लॉक ही एक सिंगल आउट इनपुट होता है, कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं होता, आपके काउंटर्स में कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं होता, सिर्फ क्लॉक ही एक क्या होता है आपके पास इनपुट होता है, और काउंटर क्या करता है, क्लॉक को काउंट करता है, ठीक है। अब ये देखो यहां पे बात बनना, मॉड नंबर ऑफ द काउंटर क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है आपके पास, मॉड नंबर ऑफ द काउंटर होता है कि वो काउंटर कितनी क्लॉक को काउंट कर सकता है, वो जो काउंटर आपने बनाया है वो काउंटर कितनी क्लॉक पल्स को काउंट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं उसका मॉड नंबर। मान लो मेरे पास एक काउंटर है, वो जो है तो 12 क्लॉक पल्स को काउंट कर सकता है, उसका मॉड कितना होगा, 12। मान लो मेरे पास कोई काउंटर है, ठीक है, और उसमें जो है तो वो 8 क्लॉक को रीड कर सकता है, मतलब काउंट कर सकता है, तो उसका मॉड नंबर कितना होगा, 8 हो, ठीक है, मतलब मॉड नंबर का क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं कि कितनी क्लॉक पल्स को वो रीड कर सकता है। ओके, अब ये देखना कि जैसे मान लीजिए आपके पास मॉड 2 है, एक काउंटर आपके पास है मॉड 2, मॉड 2 काउंटर बनाने के लिए आपको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो क्या बोलोगे, एक फ्लिप फ्लॉप लगेगा।
अगर आपको मॉड फोर बनाना है, क्या बनाना है आपको, मॉड फोर काउंटर, तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो क्या बोलोगे आपको यहाँ पे, टू फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अगर आपको मॉड एट बनाना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तीन लगेंगे। अगर आपको मॉड 16 बनाना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, फोर लगेंगे। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, टू की पावर, ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखो कॉन्सेप्ट आप बता दो क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन बढ़िया चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर आपको मॉड फाइव काउंटर बनाना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। देखो आपको ये पता है, आपको ये पता है कि मॉड फाइव, जो फाइव है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, वो आपका फोर और एट के बीच में आ रहा है ना। तो देखो फोर वाले से काम चल पाएगा क्या, टू से काम चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। उसका मॉड फोर है मैक्सिमम। आपको मॉड एट वाले काउंटर को ही आप क्या करोगे, यूज करके मॉड फाइव को काउंट करोगे, तो आपको तीन क्लॉक पल्स यहाँ, मतलब तीन फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे लगेंगे। जैसे आपको मॉड 12 बनाना है, मॉड 12, तो आपको ये पता है कि वन वाले फ्लिप फ्लॉप से तो बनेगा नहीं, दो से भी नहीं बनेगा, क्योंकि दो से सिर्फ चार बनता है, तीन से सिर्फ एट तक बनता है, तो फोर से कहाँ तक बनता है, 16 तक बनता है। तो आपको बनाना है क्या 12, तो आप क्या करोगे, चार फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे। वैसे अगर आपको बनाना है यहाँ पे क्या, मॉड 30, तो आपको पता है कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5 फ्लिप फ्लॉप से यूज करके मॉड 30 का आप क्या बनाओगे, काउंटर बनाओगे। क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक बात क्लियर है बताओ एक बार, आया कंफर्म करो, इधर भी देख लेता हूं मैं, कंफर्म करिए राहुल, प्रज्ञा, कल्पना, कल्पना भी आप हो प्रेजेंट यहाँ पे, अर्पिता, आप सभी लोग कंफर्म करिए। ओके क्लियर है, इधर भी बताइए आप, छाया आप भी बताइए। क्लियर, ओके चलो चलो, अब मैं एक यहाँ पे आपको काउंटर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बढ़िया सा यहाँ पे काउंटर बना के दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको काउंटर पर। क्वेश्चन ये है कि आपको बोला गया कि आप एक मॉड फोर काउंटर बनाओ यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, मॉड फोर काउंटर, कुछ लोग बोलते हैं मॉड फोर अप काउंटर बनाओ, अप मतलब होता है आगे बढ़ने वाला काउंटर, कुछ तो बोलते हैं मॉड फोर डाउन काउंटर बनाओ, क्या होना डाउन काउंटर, डाउन मतलब क्या होता है, नीचे गिरना, फिलहाल मैं बना रहा हूं यहाँ पे अप काउंटर, ठीक है। मॉड फोर बनाना है, कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, आधा काम तो बन गया। अब देखो अप काउंटर क्या करता है, देखना तो अभी सबसे पहले कौन सी क्लॉक होगी, जीरो 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 बाद क्या आता है, जीरो बनाता है। देखो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में, मैं यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ पे, तो मुझे कोई बता सकता है इसका फ्यूचर क्या होगा, सर इसका फ्यूचर होगा ये, अब जब ये फ्यूचर था ये मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो अब इसका फ्यूचर क्या होगा, अब इसका फ्यूचर बन जाएगा ये, अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ इसका फ्यूचर क्या होगा, ये होगा, अगर मैं यहां तक पहुंच चुका हूं अब इसका फ्यूचर क्या होगा, ये, ठीक है ना। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई, अब देखना यार, अब देखना, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट, देखो क्यू वन क्यू नॉट है ना, क्यू वन क्यू नॉट, क्योंकि दो फ्लिप फ्लॉप है ना, तो एक का आउटपुट क्यू वन ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने क्यू नॉट, तो जब मेरा प्रेजेंट क्या है, जीरो जीरो है, तो जब मैं जीरो जीरो पे हूं इसका फ्यूचर क्या होगा, कोई बता सकता है क्या, हाँ मैं बता सकता हूं कितना होगा, जीरो वन होगा, क्या होगा, जीरो वन होगा। तो अब मुझे बताओ कि डी वन मतलब जो डी फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे है ना, इसका इनपुट क्या होना चाहिए, देखो आप ये समझो इसका प्रेजेंट कितना है, जीरो, इसका फ्यूचर कितना है, जीरो, तो क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि डी वन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डी वन शुड बी इक्वल्स टू क्यू वन प्लस, क्यों, क्योंकि डी इक्वल टू क्यू प्लस होता है, तो जो अगर यहाँ पे जीरो है तो ये भी जीरो होना चाहिए। अब देखो अब देखना, अब देखना जो फ्यूचर था जीरो वन, जो फ्यूचर था वो क्या बन गया है, प्रेजेंट, जीरो वन प्रेजेंट बन गया, तो अब इसका फ्यूचर क्या होगा, अब इसका फ्यूचर हो जाएगा वन जीरो, तो ये वन जीरो बन गया।
और जब ये 1 0 बन गया तो d1 d0 की वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो फ्यूचर को, तो 1 0 यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जो 1 0 था वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट बन गया, प्रेजेंट बन गया, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर हो जाएगा 1 1, इसका फ्यूचर हो जाएगा यहाँ पे 1 1। अब जब 1 1 आ गया तो यहाँ पे d1 d0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1। अब देखो अब आप 1 1 पे हो, अब आप 1 1 पे हो, इसका फ्यूचर क्या होगा, 0 0। तो 1 1 पे हुआ, कहाँ पे हुआ, आपको 1 1 पे, इसका फ्यूचर क्या होगा, 0 0। तो d1 d0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d1 0 0। अब बताओ क्या मैं 0 0 को प्रेजेंट मानूंगा दोबारा, क्या नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं पहले इसको प्रेजेंट मान चुका हूं। तो कितने क्लॉक यहां पे इसका काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो टोटल कितने क्लॉक पल्स आ रहे हैं यहां पे काउंट कर लो, कितनी क्लॉक को, ये जो आपका काउंटर है मॉड 4 काउंटर है, कितनी क्लॉक पल्स को काउंट कर, देखो फर्स्ट क्लॉक, सेकेंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक एंड फोर्थ क्लॉक, टोटल 4 क्लॉक को काउंट कर रहा है, इसलिए मॉड 4 काउंटर है। अब मुझे ये बताना है इसको बनाने के लिए कि मुझे D1 क्या इनपुट देना है और D2 क्या इनपुट देना है, क्या क्या मैं देखना सब लोग, यहाँ पे मैंने एक D1 फ्लिप फ्लॉप बनाया, D0, देखो यहाँ पे D1 और D0 मैंने बना लिया। मैं अपने आपको थोड़ा सा पहले हाइड कर लेता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके समझ में आए, मैं अपने आपको हाइड कर चुका हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अब देखना सबसे पहले तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे D1 बनाया और यहाँ पे मैंने D0 बनाया, मैंने इनको साथ में क्लॉक दे दी क्योंकि मैंने सीक्वेंशियल सर्किट, तो मैंने साथ में क्लॉक पल्स दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे D1 का फंक्शन बना लिया, कैसे, D1 कहाँ कहाँ पे आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे बना रहा है और ये मेरा यहाँ पे बना रहा है, इनका मैंने क्या किया एक्सप्रेशन बना लिया, तो एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास यहाँ पे D1 का क्या, Q1 XOR Q0 और इसका यहाँ पे Q0 बार, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, D1 को इनपुट दे दिया क्या यहाँ पे Q1 XOR Q0, तो ये आपका Q1 है ये आपका Q0 है, इनका मैंने XOR का इनपुट दे दिया। सिमिलरली D0 को क्या इनपुट देना था आपका, Q0 का बार, Q0 का बार मैंने इसका इनपुट यहाँ पे दे दिया, तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे क्या अप काउंटर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे काउंटर को बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये नहीं बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा बनेगा मैं बताता हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना उसमें आपको ये सर्किट दिया रहेगा, मैं बताता हूँ एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको ये सर्किट दिया होगा, पूछेगा कि ये जो सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है इसका मॉड नंबर कितना होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको सर्किट बना रखा रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका मॉड कितना होगा वो आपको बताना है। तो कैसे करोगे वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, ये सब आपके लिए नहीं है जो डिजाइन करा, क्योंकि एग्जाम में डिजाइन तो करवाएगा नहीं आपसे, है ना, आपको डिजाइन करके क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सब क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप चाहो तो उसको नोट्स देख लेना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस बात की गारंटी है, क्वेश्चन जहां से बनने वाले हैं वो मैं डायरेक्टली वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन में बोला गया है आपको डायग्राम बना के रखा, देखो बताया ना मैंने डायग्राम आपको बना के देगा, डायग्राम बना रखा है, उसमें बोला जा रहा है कि आपका जो इनिशियल स्टेट है वो क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, दो Q1 देखो D1 है D0 है, इसका Q1 और Q0 की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। इनिशियली क्लियर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या होगी, जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या है, 0 0। अगर बोल दिया जाए ना कि इनिशियल स्टेट इज क्लियर, इसका मतलब क्या है कि आपका Q1 और Q0 की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 है और आपको इनका क्या करना है, मॉड नंबर निकालना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बनाना टेबल Q1 Q0, उस पर देखना है D1 D1 लिखते आपने, फिर D0 D0, फिर बनाना आपको Q1 प्लस Q0 प्लस, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इनिशियल वैल्यू आपको दी कितना, 0 0, तो आपने यहाँ पे 0 0 लिख लिया, ये आपको क्वेश्चन में दिया कि आपका जो इनिशियल स्टेट है 0 0। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि D1 की वैल्यू किसके बराबर है यार, D1 किससे कनेक्टेड है, D1 कनेक्टेड है किसके साथ, Q0 बार। अब देखो Q0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो Q0 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, है ना, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो D1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, Q0 के बराबर है। देखो
टी वन की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर लिख दी मैंने यहाँ पर। डी नॉट की वैल्यू किसके है, डी नॉट की वैल्यू क्यू वन के बराबर है, डी नॉट की वैल्यू क्यू वन के बराबर है। अब देखो देखो डी वन की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू नॉट का बार, तो अगर यहाँ पे जीरो है तो ये वन हो गया, और डी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू वन के बराबर है, तो यहाँ पे जीरो है तो ये भी जीरो हो गया। मतलब आपका प्रेजेंट स्टेट क्या था, जीरो जीरो। अब देखो यहाँ पे डी वन डी नॉट हो गया ना, तो फ्यूचर क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू नॉट कितना होगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारो। डी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या होता है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, क्यू प्लस इक्वल टू डी, तो यहाँ पे वन यहाँ पे आ जाएगा, इसका जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि प्रेजेंट स्टेट कितना था आपका, जीरो जीरो, आपका फ्यूचर स्टेट कितना है, वन जीरो। तो देखो जीरो जीरो पे थे, कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट क्लॉक पे, वन जीरो पे, और जो वन जीरो फ्यूचर था अब वो क्या बन गया, प्रेजेंट। देखो ये जो वन जीरो फ्यूचर था वो क्या बन गया आपका, प्रेजेंट। फिर देखो अब देखो d1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकंड वाले केस में q0 का बार यहाँ पे क्या है, जीरो, ये हो जाएगा वन, इसका बार होके वन हो गया। अब d0 की वैल्यू क्या है, q1 के बराबर है, q1 की वैल्यू वन है तो यहाँ पे वन हो जाएगा। तो अगेन देखो आप वन जीरो पे थे, आप वन जीरो पे थे, इसका फ्यूचर क्या बन गया, वन वन, वन बन गया। अब जो वन वन फ्यूचर था वो क्या बन गया आपका, प्रेजेंट, प्रेजेंट बन गया, प्रेजेंट बन गया। अब देखो यहाँ पे वन वन आ गया, अब वन वन आ गया, अब d1 की वैल्यू क्या होगी, q0 बार के बराबर, q0 यहाँ पे क्या, 1, तो हो जाएगा 0। d0 की वैल्यू किसके बराबर है, q1, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। अगेन मतलब क्या हुआ, अगेन मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो 1 1 था, आपका जो 1 1 था, इसका प्रेजेंट था ये 1 1, फ्यूचर क्या हो गया, 0 1। अगेन आपने 0 1 लिया, अगेन आपने 0 1 लिया, 0 1 पे आ गए, 0 1 पे आपने क्या देखा, 0 1 पे आपने क्या देखा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आपने यहाँ पे जीरो बन होगा, एक्चुअली में यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ पे जीरो बन होगा, एक मिनट, तो कभी कभी गलती हो जाती है, रेक्टिफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे जीरो बन होगा। अब जो जीरो बन था, अब जो जीरो बन था वो क्या बन चुका आपका, प्रेजेंट, इसका फ्यूचर क्या आया, जीरो जीरो, तो इसका फ्यूचर जीरो जीरो आ गया। आप देखो कितनी क्लॉक पल्स को काउंट कर रही है, एक दो तीन चार, टोटल कितनी क्लॉक पल्स है, एक दो तीन चार, फोर्थ बार क्या, फिफ्थ रिपीट होने लग गया ना, देखो ना फोर्थ बार फिफ्थ रिपीट होने लग गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो मॉड होगा वो कितना होगा, फोर होगा। कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इस बोलते हैं दो फ्लिप फ्लॉप हैं, दो फ्लिप फ्लॉप हैं तो मॉड फोर होगा, ऐसा नहीं है ना यार, ऐसा नहीं कि मॉड, अगर दो फ्लिप तो मॉड फोर ही होगा, हो सकता है कि मॉड थ्री भी बन जाए, थ्री के बाद वाला स्टेप आता ही नहीं कभी, तो क्या बोलते हैं मॉड थ्री बोलते हैं ना आप इसको, अगर यहाँ पे जीरो जीरो आ जाता फिर से तो रिपीट होने लग जाता जीरो जीरो, तो क्या बोलते हैं आप इसका मॉड कितना होगा, थ्री होगा। हाँ ये कि मॉड फोर ज्यादा नहीं होगा, मॉड फोर ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मॉड टू बन सकता है, मॉड थ्री बन सकता है, और मॉड फोर भी बन सकता है, है ना। तो डायरेक्टली तुक्का नहीं मानना है कि मॉड फोर काउंटर होगा, आप इसको ऐसे सॉल्व करके क्वेश्चन को बता सकते हैं, ठीक है। छाया क्लियर है क्या चीज यहां तक, बताओ इधर भी देख लेता हूँ, आप लोग बताइए, रवि रोहित बताइए सभी लोग यार क्या है, अर्पिता क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग बताइए क्लियर है यहाँ तक, तो चलो ठीक है, इतना अपन ने ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे पढ़ लिया है, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग इवनिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिएगा, है ना, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिएगा, जो भी डाउट्स है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आपके लिए मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है, आपके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, और आपके लिए आपके जो एप्लीकेशन है मजोती प्राइम ऐप का, है ना, उस पर भी आपका चैट सेक्शन है, उसके थ्रू भी मैं आपके चैट देखता हूँ, आप उसके थ्रू भी अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, ये सीरीज का आंसर बिल्कुल प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। इसका पीडीएफ आपके पास है छाया, इस नोट्स का पीडीएफ आपके पास है, इस नोट्स का पीडीएफ आपके पास है क्या, ठीक है। तो अगर आपके पास पीडीएफ होगा ना, अगर आपके पास पीडीएफ होगा इवनिंग में कितने बजे होगा, इवनिंग में क्लास आपकी होगी, एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे, आप ग्रुप पे ऐड हो ना तो ग्रुप पे मैं करा दूंगा, आपका टाइम टेबल बता दूंगा कितना टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि आज तो शायद मैच भी है तो मैं मैच में थोड़ा बिजी रहूंगा, लेकिन क्लास तो लूंगा, 8-9 PM पे क्लास ले लूंगा, ठीक है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सीरीज कैसी लगी, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये आपको बताना है कहाँ पे, YouTube पे, ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा YouTube पे। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, देखना चाहिए लोगों को कि नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं छाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा।